बेगूसराय निशुल्क सेवा शिविर सोया पहाड़ के समीप सभी कमरिया भक्तों की सेवा के लिए हर साल की भांति इस साल भी महाशिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शिव भक्तों के लिए भोजन, गर्म पानी, ठंडा पानी, चिकित्सा, एम्बुलेंस के साथ साथ मनोरंजन के लिए प्रवचन, गीत, भजन के साथ अनेक प्रकार की व्यवस्था बेगूसराय निःशुल्क सेवा शिविर के द्वारा की जा रही है, जहाँ बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों का हुजूम उमड़ा रहा। बाबा भोलेनाथ की आराधना का पवित्र माह सावन चल रहा है। इस सावन मास में सभी कमरिया सुल्तानगंज से जल उठाकर बाबा को अर्पित करते हैं। देवों के देव महादेव के दरबार में लाखों भक्तों ने हाजिरी लगाया। रिमझिम बारिश के बीच ही शिव भक्त बाबा भोलेनाथ के दरबार में पहुँचे और चांदी तक पहुँचा दिए। बाबा को कहे कि सोना आप ही को छोड़ दिए हैं, जो बाबा आप सोना जिस दिन देंगे उसी दिन फिर चलेंगे। आप कहता है गाँव के लोग आप छोड़ दो, बहुत दिन हो गया है बाबा से गोर लग लो, बाबा का अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं तो चल रहे हैं। उम्र है अभी 60 का उम्र है में है, चल रहे हैं बाबा पर 60 की उम्र से बाबा पर ध्यान लगाते हैं, जो कुछ मांगते हैं सो बाबा पूर्ति करते जाते हैं। मैं हमको साली को लड़का नहीं होता था कहने लगी, कहे कि हम बाबा को बड़का कामर लेकर जा रहे हैं, बाबा नहीं देंगे। बाबा दिए तो बाबा सपना हमको दिए, जे तेरा काम कर दिया मेरा काम नहीं हो रहा। बाबा आपको सपना दिए? हाँ सपना दिए। अच्छा, जब जेठ महीना घुसता है तो खलबली मच जाता है, बाबा सपना देते हैं जो तुम धन पर गिरो, धन पर तो बाबा को जाइए रहे हैं, जिस कौन दिन हम पहुँचेंगे बाबा से आराधना करेंगे कि बाबा है आप छोड़ दीजिए, मेरा जाना अभी तक आप नहीं लीजिए, पर बाबा नहीं छोड़ते हैं, बाबा नहीं छोड़ते हैं। देखते हैं जो शरीर में अभी खून पानी तो नहीं है तो भी ले जा रहे हैं और आशा करते हैं कि हम बहुत शीघ्र आज जो पंडाल में हम शिविर चला रहे हैं बहुत शीघ्र ही अब बिल्डिंग भी बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, साथ ही चिकित्सा केंद्र उसमें अवस्थित होगा। वर्ष 2015 में हम लोगों ने शुरुआत किया था कुछ युवाओं के साथ में, छोटी सी शुरुआत हुई थी, काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा था। बेगूसराय जिले के लोग मिले, हौसला मिला, फिर साल ये साल दर साल ये इसलिए विकास की ओर है, अपनी व्यवस्था को और साल दर साल बढ़ाई है। आज के समय में सारा व्यवस्था हमारे यहाँ निःशुल्क है, आप देखेंगे हम लोगों ने किसी बहाने से भी बम का किसी प्रकार की दान लेने की व्यवस्था हम लोगों ने रखा, कहने की मतलब दान पेटी की व्यवस्था हमने यहाँ नहीं किया है, क्योंकि 100% निःशुल्क व्यवस्था हम देना चाह रहे हैं। और हमारे सारे सेवार्थी सारे श्रद्धा और सेवार्थी पूरी श्रद्धा के साथ आप देखे हुए लोगों की सेवा करते हैं। हम गुरु का भंडारा हमारे यहाँ होता है, चाय गर्म पानी, ठंडा पानी, दवाएँ जो मूल रूप से सुविधा होती है बम के लिए, वो समुचित सुविधा सब कुछ हमारे यहाँ, शौचालय स्नानागार सब कुछ निःशुल्क सुविधा है। और बहुत सारे लोगों का सहयोग योगदान रहा है बेगूसराय जिले निकल कर, कोई भी आपको इक्विपमेंट की जरूरत पड़े, चाहे आपको बुखार लगा हो, चाहे किसी भी चीज़ का दिक्कत हो, अगर बच्चे का अगर खांसी हो गया वो जल्द से नेबलाइजर की व्यवस्था किया गया है, पूरी तरह से दिया गया है, बाद बाकी इनर्जी का जो दवा दी गई है, गैस का है, बुखार का है, पेट दर्द है, सारी दवाएँ यहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था की गई है।